मोबाइल पर भी आप रेडियो सुन सकेंगे एफएम हनुमानगढ़ के नाम से। मोबाइल पर भी आप रेडियो सुन सकेंगे एफएम हनुमानगढ़ के नाम से। इसकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर तक होगी। 10 से आप एफएम रेडियो हनुमानगढ़ के कार्यक्रम सुन सकते हैं। देश रा सगला मिनख अब पीएम मोदी री मनरी बात एफएम पर भी सुन सकेला। मोबाइल पर भी एफएम चलेगो। इंगो उद्घाटन आज कर दियो गयो है। हनुमानगढ़ एफएम भी शुरू कर दियो गयो है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन दिल्ली हूँ बैठ हनुमानगढ़ में एफएम सेवा शुरू कर दीजिए। थाने सूचना नई सूचना देने लाग रहा। हनुमानगढ़ के वहाँ भी मोबाइल में एफएम चालसी, गाना भी चालसी और किसाना री बात भी चालसी और मोदी रे मन री बात भी अठ चालसी। तो थाने आप बताना चाहवा कि हनुमानगढ़ में एफएम रेडियो है जिको वो शुरू हो गया है और बिंगी रेंज जी की है कितने दूर तक रह सी और कद प्रोग्राम आसी, कितो समय प्रोग्राम चाल सी, के इंगमा थाने देखन सुनने मिलेगो। ऐ सारी बात रा जवाब आकाश बाणी रा जी का सूरतगढ़ वठे अधिकारी आईड़ा है। बंग सागे कलम न्यूज करी है बात। आओ थाने सुनावा कि एफएम रेडियो जी को हनुमानगढ़ में शुरू होयो है बिंगे बारे में आकाश बाणी रा अधिकारी के बोलन लाग रहा है। ये एफएम ट्रांसमीटर 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर्स देश में 91 ट्रांसमीटर्स का पीएम मोदी जी वर्चुअली, उसमें हमारा हनुमानगढ़ भी एक एफएम ट्रांसमीटर है 100 वाट का, उसका भी दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण और इसकी भव्य आयोजन में हमारा हनुमानगढ़ भी शामिल है और सभी जगह जितने भी 91 स्टेशन है सभी जगह भव्य आयोजन रखा जा रहा है। इससे हनुमानगढ़ की जनता को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। मोबाइल पर भी आप अब रेडियो सुन सकेंगे एफएम हनुमानगढ़ के नाम से और आप फोर व्हीलर जो नए आ रहे हैं उनमें भी एफएम रेडियो आता है, उनमें भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर तक होगी। 10 से 15 किलोमीटर तक आप अब एफएम रेडियो हनुमानगढ़ के कार्यक्रम सुन सकते हैं जिस पर विविध भारती और जयपुर के प्रोग्राम रिले किए जाएंगे और ये आज से शुरू हो जाएगा। अब भविष्य में आप एफएम फ्रिक्वेंसी 103.6 मेगाहर्ट्ज पर इसका लाभ ले सकते हैं। मोबाइल में इसको चलाना हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? मोबाइल में यदि आप चलाना चाहते हैं तो आजकल मोबाइल में फीचर्स आ रहे हैं, उसमें एफएम रेडियो मोबाइल में आता है, उस पर आप ऑटो सर्च में एफएम खोलकर ऑटो सर्च में जाएंगे तो हनुमानगढ़ की रेंज में यदि आप होंगे तो ऑटो सर्च में अपना आप ही आपका मोबाइल यहाँ की फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा 103.6 मेगाहर्ट्ज़ को और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा एफएम में। और कई मोबाइलों में रहता है कि उसमें एंटीना लगाना पड़ता है, तो आप जो ईयरफोन आते हैं उसको यदि प्लग इन करेंगे मोबाइल में तो वो एंटीना का काम करता है और उससे आपका एफएम हनुमानगढ़ जो है पकड़ने लगेगा। तो सर इसमें जो सेवाएं होगी एफएम में क्या 24 घंटे चलेंगे? ये 24 घंटे नहीं, अभी तो इसका प्रसारण सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रहेगा। आगे बीच बीच में शेड्यूल्स चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे डायरेक्टरेट से निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, वो आपको बीच बीच में रेडियो पर सूचनाएं मिलती रहेंगी। परिचय दे दें सर पूरा आपका। मैं हरिकिशन मीना, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग आकाशवाणी सूरतगढ़ से। इसी प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ लगाया गया है 2 दिन के लिए और मैं अभी आकाशवाणी सूरतगढ़ में पोस्टेड हूँ और वहाँ से मैं यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, यहाँ का सुपरविजन करने के लिए आया हुआ हूँ। कान में स्थाना पर आज एफएम रेडियो मोदी शुरू कर दियो है। थाने दिल्ली की तस्वीर भी थोड़ी सी वीडियो के मां दिखा दें कि किया बठे रही तस्वीर रही, किया बठे बातें हुई, इंग जानकारी भी थाने थोड़ी सी दे दें, फिर आगे बात बढ़ावला देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वाट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना,
लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात एफएम रेडियो हनुमानगढ़ में शुरुआत करने बाद आकाशवाणी अधिकारी आई बताया कि थारे आज का नया टेम्पू इलेक्ट्रॉनिक टेम्पू आया, बैटरी वाला आया, इंगे माँ तो पहले ही एफएम इंस्टॉल करो है, कारा के माँ चाल सी और जीपा के माँ भी चाल सकया, थाने एंटीनो लगाना पड़ सी और मोबाइल के माँ भी थाने जिको कान में लगाने वालों जिको वो जंतर सो है वो लगाना पड़ सी, जद आ एफएम रेडियो जिको और एफएम थारे मोबाइल में भी चाल सी, गाड़ियों में तो पहले ही चाल है एंटीना लगाईड़ा हुआ है, कारा में तो लोग एफएम सुने ही हैं लेकिन हनुमानगढ़ के नाम एफएम आज शुरू कर दियो है, किसानों की बातें और महिलाओं रा जल जीवन मिशन और स्वच्छता अनेकों तरह की इंगे माँ जानकारी थाने मिल सी, किसानों ने ज़्यादा मंडियों का भाव फसल आ रहा है किया कीटनाशक छिड़कना है किया वाग रोकथाम करनी है कठे मंडी में थे समान बेच सको, कई तरह की जानकारियाँ ई एफएम रेडियो के माँ थाने मिलेगी। तो चलो फिर अपने अपने मोबाइल में उठाओ और प्ले स्टोर में जाओ, एफएम जिको रेडियो सुन खातर थे बिंग में सर्च कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजो और जिका गाड़ियां क्या है बिंग माँ तो पहले एंटीनो लागड़ा हुआ नहीं लागड़ो तो थे लगा लियो और आ थाने वीडियो किसो लाग गयो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखियो और कलम न्यूज़ चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिया करो। गुरुदेव सिंह सैनी रो सगड़ा ने राम राम।